आज के एपिसोड में मैं आपको भिलाई नगर लेकर जाने वाला हूँ, वो है मेरा जन्मभूमि। तो गाइस काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैं यहाँ से पहले जाऊँगा नवसारी, और साथ में मेरा भाई भी है, वो भी आने वाला है। तो शायद वो नवसारी में मिलेगा या घर का भी आइडिया नहीं है, मैं फ़ोन करने वाला हूँ। तो ठीक है, चलो फिर यहाँ से मैं चलता हूँ नवसारी बस डिपो, क्योंकि ट्रेन सारी बंद है। फिर वहाँ से जाऊँगा सूरत, सूरत से फिर भिलाई। ठीक है, और बीच में जितना भी अच्छा कुछ मेरे को दिखाने जैसे रहेगा वो मैं जरूर दिखाऊंगा। वीडियो शूट करता हूँ, लेट्स गो। हाँ तो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं बस में। ये रहा मेरा छोटा भाई हितेश, और पीछे की सीट में है काकी। सो गाइस देखिए, ये रहा नवसारी बस स्टैंड, और हमारी बस भी अब धीरे धीरे चालू हो गई है सूरत के लिए, निकल पड़ी है। तो गाइस मिलते हैं फिर सूरत में। तो गाइस फाइनली हम लोग सूरत पहुंच गए। सारे रास्ते में बारिश हो रही थी, इसलिए मैं बाहर का कुछ भी शूट नहीं कर पाया। और अभी लगभग हमारे गाड़ी को आने में 2 घंटा बाकी है, तो हम लोग गाड़ी का वेट कर रहे हैं। सो गाइस, गाड़ी राइट टाइम आई और हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं। काकी थक गई थी इसलिए काकी सो गई है, हम लोग भी काफ़ी थक गए हैं और अब हम लोग भी सो जाने वाले हैं। तो फिर कल सुबह मिलेंगे। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं दुर्ग स्टेशन, और हम लोग अभी यहां से बाहर निकल रहे हैं। मैं यहां से सीधा अपने सिस्टर के यहां जाने वाला हूं, और वहीं मैं आपसे मिलता हूं। तो गाइस ये है मेरी सिस्टर का घर, उनके साथ है मेरे जीजा जी, और जो पीछे हाथ हिला रहा है वो मेरा भाई। आज इसी के साथ हम लोग बाहर जाने वाले हैं और कुछ फूड ट्राई करने वाले हैं। चलो घर के अंदर चलते हैं। सो गाइस, ये है मेरा छोटा भाई गौरव, और इसी के साथ मैं भिलाई सेक्टर 4A मार्केट में आया हूँ, क्योंकि इस स्टॉल से मेरी काफ़ी यादें जुड़ी हैं। और मैं भी इसी सेक्टर 4 में ही रहता था, और जब छोटा था तब यहाँ खाने के लिए आया करता था, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। ये है रत्नाकर भाई, और इनके शॉप का नाम है रत्नाकर रॉल सेंटर। चलो तो फिर गाइस वीडियो आगे बढ़ाते हैं।
सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा आपको? गुजरात से भिलाई तक का सफ़र हमने काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखे, दुर्ग स्टेशन देखा और मेरा बचपन का फूड स्टॉल भी देखा। सो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और ज़्यादा जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।